हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं ऐसे एप्लीकेशन को जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी नॉर्मल फोटो को लाइव फोटो में बदल सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको काफी सारे लाइव इफेक्ट मिल जाते हैं, काफी सारे ओवरले इफेक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ दिया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना खराब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है पिक्सलूप। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो पिक्सलूप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सिंपली जब हम पहली बार में इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंट्रो दिया जाएगा कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, तो वो सारा कुछ मैं स्किप कर चुका हूँ। तो लास्ट में आपको ये मेन स्क्रीन मिलेगा जहाँ पर आपको प्री लोडेड एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा जिसमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया कि आप किस तरह से अपने नॉर्मल फ़ोटो को लाइव फ़ोटो बना सकते हैं। लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं लेते, हम एक अपना न्यू फ़ोटो एक बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और एक अपने फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने एक फ़ोटो को अपलोड कर लिया है, मेरे फ्रेंड का फ़ोटो है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट दिए गए हैं नीचे की साइड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फ़ोटो को थोड़ा एनिमेट कर देते हैं। तो यहाँ पर एनिमेट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हमें क्या चीज़ एनिमेट करनी है इस फ़ोटो में उस चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले पाथ को सिलेक्ट करना होगा, पाथ पर क्लिक करेंगे और जो भी चीज़ हम एनिमेट कराना चाहते हैं उस पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं जो स्काई आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में, इस पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर जो मुझे मूव कराना था, जो एनिमेट कराना था, वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अगर एक बार हम इसको प्ले करके देखें तो देखते हैं किस तरह से ये दिखता है। तो यहाँ पर प्ले का बटन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड में जो स्काई तो एनिमेट हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ में मेरे फ्रेंड का जो फ़ोटो वो भी बुरी तरह से ये एनिमेट हो रहा है। तो इसको किस तरह से रोकना है, इसके लिए हमें सिंपल एंकर वाला जो बटन दिया गया है सेकंड नंबर पे, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें ये भी ड्रॉ करना होगा जिस चीज़ को हमें रोकना है उस पर। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट बना देते हैं, यहाँ पर भी सिंगल क्लिक करेंगे डॉट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब एक बार इसको फिर प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये मूव हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर की साइड जो चेहरा था वो तो यहाँ से अब मूव होना बंद हो चुका है, लेकिन अभी नीचे की साइड में जो शोल्डर है वहाँ से अभी भी मूव हो रहा है। तो चलिए अब उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एंकर पे फिर क्लिक करेंगे, इसको पॉज करेंगे और इस पर भी हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में हम इस चीज़ को मूव नहीं कराना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही इस वाली साइड में। तो सिंपल अब हम अगर इसको प्ले करें तो आप देख सकते हैं जिस चीज़ को हम मूव कराना चाह रहे थे, हमारा जो स्काई है उसको ही हम यहाँ पर केवल मूव करा रहे हैं, हमारा फ़ोटो बच चुका है। तो इसके अलावा अगर हमें जो मूविंग स्पीड अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर हमें एक रिमूव के बाद एक स्पीड का ऑप्शन दिया गया है, स्पीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पीड को बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं स्पीड काफ़ी तेज़ हो चुकी है, स्पीड इतनी ही रखते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में एक वायर दिख रहा है जो कि काफ़ी ऑड सा लग रहा है, हाँ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको हम मूव कराना बंद कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक आपको नीचे दीवार पे भी कोई एंगल दिख रहा है जो कि हमें ठीक ठाक नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रीज़ बटन पे क्लिक करेंगे और इन चीज़ों को भी हम यहाँ से रोक देते हैं। तो सिंपल यहाँ से हम पहले इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं और यहाँ पर एक बार इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये चीज़ ड्रॉ हो गई। इसी तरह से हमें जो ऊपर की साइड में वायर देख रहे हैं तो इस पर भी हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, ठीक है। तो अभी हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो मूवमेंट है वो हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ा सा हमें और भी अब ठीक रहेगा शायद। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मूविंग स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इसके अलावा जो चीज़ को हम मूव कराना चाह रहे हैं वो हो रही है यहाँ पे ठीक इसी तरह से। यहाँ पे हमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, अनफ्रीज़ अगर हमें किसी चीज़ को अनफ्रीज़ कराना है तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लूप का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम बैक करते हैं तो यहाँ पर स्काई चेंज करने का ऑप्शन है, स्काई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें काफ़ी सारी स्काई मिल जाती हैं तो उनको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइव इफेक्ट है
और यहाँ पर स्काई हमारी चेंज हो रही है, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया स्काई लग रहा है, इसको एक बार बैक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ओवरले का ऑप्शन मिलता है, ओवरले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम काफ़ी सारे ओवरले इफेक्ट यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं कुछ ओवरले इफेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमें और भी काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, कैमरा इफेक्ट मिल जाता है, अगर जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से कैमरा मूव करेगा, जैसे कि आप फ़ोटो खींच रहे हैं किसी का। तो फिलहाल ये इफ़ेक्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसको बैक कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें प्रो मोड में एडजस्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, टेम्परेचर वगैरह यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फोटो आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा रेडी हो चुका है, पूरी तरह से लाइव इसमें लाइव इफेक्ट आ चुके हैं। तो इस फोटो को सेव करने के लिए ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चाहें तो इंस्टाग्राम के लिए या फिर फेसबुक के लिए जो भी उसकी साइज़ होती है उसके हिसाब से फ़ोटो सेव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो चुका है, दोबारा से जाएंगे गैलरी में, अब देखते हैं। तो ये है वो हमारा फ़ोटो और इसको अब देख लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी इफेक्टफुल हमारा फ़ोटो लग रहा है। तो इस तरह से अपने एक नॉर्मल फ़ोटो को एक लाइव फ़ोटो में बदल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।